आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। 3 साल में एक बार आता है अधिक मास। अगर आपके कोई मनोरथ हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप डोनेट कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा 9वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि इसके बाद नारद जी विस्मत युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में लाई। अर्ध्य, पाद्य और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुने, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भाग्यनी के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरा भाग्य का उदय हो गया, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं। आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पांवों के रजकण को स्पर्श का मेरा जन्म सफल हो गया, जो आप जैसे महात्माओं का मुझको दर्शन हुआ। इस प्रकार कहकर यह बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य धन्य है ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कन्या बोली, हे मुनि, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। हे मुनि, आप कृपा कर ऐसा उपाय बतलावे जिससे मेरा दुख दूर हो। मैं दुख शोक में अग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ, इस अग्नि को शीघ्र बुझाओ। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली ना तो मेरी माता है, ना पिता, ना भाई। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूँ वहीं अंधकार दिखाई देता है। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख को दूर करने का उपाय जल्दी करिए। ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा करके इस बाला को देखकर कुछ हितकारक वचन बोले। 9वां अध्याय यहाँ पे विश्राम देते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे। कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।